दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं टीवीएस जुपिटर ग्रांडे की। यह है टीवीएस जुपिटर ग्रांडे। टीवीएस ने इसे लॉन्च किया है टीवीएस जुपिटर के अपग्रेडेड मॉडल के तौर पे। टीवीएस जुपिटर हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर्स में नंबर 2 पर रहे इंडियन मार्केट में। नंबर 1 पे शुरू से एक्टिवा रही है, बल्कि इसके नए मॉडल में स्पेसिफिकेशन शीट में ये एक्टिवा 5G से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। मैं अपनी इस वीडियो में इसके एक एक फीचर की बात करूंगा और हमें इसमें क्या मेजर अपग्रेड्स मिलते हैं उनकी बात करूंगा। मैं इसके लुक्स की, इसके इंजन की, इसके ब्रेक, टायर, सस्पेंशन, इसके मीटर की वर्किंग, इसकी हेडलाइट वर्किंग और इसके साथ ही में कितना स्पेस हमें मिलता है वो दिखाऊंगा। फिर मैं इसे राइड करूंगा और एंड में मैं आपको इसकी कुछ कमियां बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसमें क्रोम फिनिश हमें मिरर मिलते हैं, इसके साथ ये ड्यूअल पेंट स्कीम मिलती है। इसकी ये ड्यूअल पेंट स्कीम और इसका ये ग्लॉसी फिनिश दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वहीं इसके जो ब्लैक अलॉयज है, जो 12 इंच के अलॉयज आप देख रहे हैं, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हैं, क्योंकि इसके सेगमेंट की जितनी भी स्कूटर्स हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं है। और इसकी ये सीट जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों पुरानी जुपिटर का डिज़ाइन बिल्कुल एक सिंपल मॉडर्न डिज़ाइन था, वहीं जो नई जुपिटर आई है, ये जुपिटर ग्रांडे, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं आई कैचिंग लगती है पुराने वाली से। इसका जो मीटर है वो हमें एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिलता है। पुराने वाला मॉडेस्ट सा सिंपल सा मीटर हटा दिया है टीवीएस मीटर का, और आप देख काफी ज्यादा एग्रेसिव और इनोवेटिव ये मीटर लगता है। इसके साथ ही ये जो हेडलाइट्स आप देख रहे हैं, ये इसके लुक्स में जान डालती हैं। ये दिखती भी अच्छी हैं और देखती भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स है दोस्तों। सो ओवरऑल इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके जो बटन्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब कहीं से भी हमें ऐसा चीप प्लास्टिक, सस्ता सामान नहीं नज़र आता, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, दिखने में भी फैंसी लगते हैं, और बटन्स के आसपास का पूरा इंटरफेस काफ़ी सॉलिड क्वालिटी का लगता है दोस्तों। TVS जुपिटर ग्रांडे में स्टोरेज के मामले में सबसे पहले तो हमें ये हुक मिलता है। इसकी कैपेसिटी है 3 किलो, इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर सब्जी या कोई भी लाइट आइटम हम टांग सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 17 लीटर की ये मिलती है अंडर सीट स्टोरेज, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम है अब, क्योंकि जब अपडेट ही दे रहे थे तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जा सकता था दोस्तों। जैसे कि एंटॉर्क में भी हमें 22 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। इसके साथ ही हमें USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि फ्री नहीं है। अगर हम चाबी को लेफ्ट में घुमाते हैं तो ये फ्यूल टैंक खुल जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो टाइम बचाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो ज़्यादा एज के हैं, जो बेचारे नहीं उतर सकते स्कूटी से, क्योंकि बार बार उतरने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से चाबी हम आराम से घुमाएंगे तो खुल जाएगा। इस टाइम आजकल जितने भी स्कूटर्स आ रहे हैं सब में ऐसे फीचर दिए जा रहे हैं, जो या तो यहाँ से खुल जाते हैं या फिर बटन से खुल जाते हैं। इसकी जो सीट है वो पुराने वाली जुपिटर से ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें हमें पिलियन के लिए, देखिए मैं दबा के दिखा रहा हूँ, पिलियन के लिए और राइडर के लिए, दोनों के लिए हमें ज़्यादा कुशन मिलता है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर भी दोस्तों जो TVS जुपिटर क्लासिक है उसकी सीट मिल जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट मिलती है। उसकी सीट इंडियन मार्केट के सारे स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको पावर देता है ये 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन पे चलने वाला इंजन। ये हमें प्रोड्यूस करके देता है 7.99 ब्रेक हॉर्स पावर, जो इस 110 cc के स्कूटर को चलाने के लिए इनफ है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। एक्टिवा में हमें मिलती है 8.11, तो थोड़ा सा फ़र्क है, बट स्टिल एक्टिवा इससे थोड़ी सी तेज़ होती है, क्योंकि उसका वेट इससे थोड़ा सा कम है। इस पर लिखा भी हुआ है CVT, मतलब कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें 750 ml इंजन ऑयल डलता है, और ये जो आप देख सकते हैं ये इसका फ़ैन है। जितने भी स्कूटर्स होते हैं ये CVT इंजन वाले, इनमें यहीं पे ये फ़ैन लगा होता है। ये है इसका सस्पेंशन सिस्टम, जो इसके जितने भी राइवल्स हैं 110 सीसी के सेगमेंट में उनमें शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जो 110 सीसी की किसी भी स्कूटी में नहीं आता, बस इसमें आता है। ये हमें पिछले वेरिएंट में भी मिलता था और इसमें भी मिलता है। एक और बात जो TVS ने नई ऐड की है इसके सस्पेंशन सिस्टम में, वो ये कि इसका जो रियर सस्पेंशन था, गैस चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन, ये आप देख रहे हैं, इसमें एडजस्टर लगा दिया है। मतलब अब हम सस्पेंशन की जो हाइट है, मतलब इससे हम जो सीट हाइट होगी हमारी थोड़ी सी, वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एडजस्टर है, तो इससे हम सस्पेंशन की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं।
बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगी मुझे ये, क्योंकि अभी तक हमें ये बस बाइक्स में मिलती थी। टायर्स के मामले में हमें इसमें 90x90 के 12 इंच के टायर मिलते हैं। दोस्तों टीवीएस जुपिटर और टीवीएस जुपिटर ग्रांदे और इसके जितने भी वेरिएंट हैं वो सब अपने सेगमेंट में इकलौते हैं जहाँ पे हमें ये 12 इंच का व्हील बेस मिलता है। क्योंकि इसके सिवा जितने भी स्कूटर्स हैं, चाहे वो एक्टिवा 5G हो या और कोई हो, उन सब में हमें 10 इंच या 11 इंच मैक्सिमम व्हील बेस मिलता है। ये इकलौता ऐसा स्कूटर है जिसमें हमें इतना अच्छा व्हील बेस मिलता है। इससे होता ये है कि स्कूटी नीचे से उठी रहती है, हमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाता है। उसके बावजूद भी इसकी सीट हाइट बाकी सब स्कूटर जितनी 765 mm ही रखी गई है, और इसका रियर टायर भी हमें 90x90 का 12 इंच का ही मिलता है। ब्रेक्स में हमें इसमें दो वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क ब्रेक वेरिएंट और एक ड्रम ब्रेक वेरिएंट। डिस्क ब्रेक वेरिएंट अभी आया नहीं है, ड्रम ब्रेक मेरे पास है। ड्रम ब्रेक में हमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। इसमें होता क्या है, जैसे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है एक्टिवा 5G में, अगर हम पिछला ब्रेक दबाते हैं तो साथ साथ अगला ब्रेक भी लग जाता है। ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें मिलते हैं 130 mm के ड्रम ब्रेक फ्रंट में, और 130 mm के ड्रम ही हमें रियर में मिलते हैं इसमें ब्रेक्स में। आप ये जो नीचे देख सकते हैं, जो ये एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है, अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये ब्रेक टाइट हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे खुद भी टाइट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स को खुद टाइट किया जा सकता है। इसको इस डायरेक्शन में जितना घुमाएंगे उतना ये टाइट होती है। इससे आप चाहें तो अपने ब्रेक्स को खुद टाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये जुपिटर, पुराने वाली जुपिटर जैसी ही है। बट इसका जो मीटर का इंटरफेस है वो अब देखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके साथ ही जो पैर रखने की जगह है इसमें, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जगह, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैर रखने में। और इसके मीटर में वॉच होने की वजह से अब हमें फ़ोन या वॉच नहीं निकालनी पड़ती। एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत स्लगिश फील हो सकता है क्योंकि ये बस 110 cc है। तो टेलीस्कोपिक फॉक्स की वजह से ऐसे जैसे ब्रेकर से अभी कूदी है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब इतने तगड़े जर्क नहीं लगते जितने हमें एक्टिवा 5G में लगते हैं। यह है टीवीएस जुपिटर ग्रांदे का मीटर, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। टीवीएस ने इसमें भी हमें मेजर अपडेट दिया है, एक पुराना सिंपल एनालॉग मीटर हटा के काफ़ी फैंसी सा एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर दिया है। इसमें नीचे आप क्लॉक देख सकते हैं, क्लॉक के ऊपर ईओर ऐप जो दिख रहा है वो फ्यूल इंडिकेटर है, उसके नीचे 0.7 लिखा हुआ है। ओडोमीटर है, बिल्कुल नई है ये इको 00 देख रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपने 100 किलोमीटर चलाई है तो उसमें से कितना परसेंट इकोनॉमी मोड पर चलाई है, मतलब कि आपने कितनी देर इकोनॉमी मोड पे तसल्ली से चलाई है, मतलब धीरे चलाई है। ऊपर जहाँ ग्रीन कलर की लाइट आप देख रहे हैं वो है इकोनॉमी मोड, मतलब आप जब आराम से चलाते हैं तो वो लाइट जलती रहेगी। उससे ऊपर एक येलो कलर की लाइट है जो अभी दिख नहीं रही, जल नहीं रही, वो पावर मोड। थ्रॉटल प्रेस करेंगे तेज तो पावर मोड पे चलेगी। ऊपर हेडलाइट का आप साइन देख सकते हैं हाई बीम का, उसके जस्ट नीचे लो फ्यूल इंडिकेटर का साइन है। ये इंडिकेटर जल रहे हैं इसके, हमें ऐसे साइन इसमें मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा और फैंसी इसका मीटर है। हेडलाइट के मामले में हमें यहाँ काफ़ी मेजर अपडेट देखने को मिला है टीवीएस जुपिटर ग्रांदे में। टीवीएस ने नॉर्मल हेलोजन बल्ब को छोड़ के हमें यहाँ एलईडी हेडलैम्प प्रोवाइड किया है। ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और इसके साथ ही इसमें पावर कंजम्पशन काफ़ी काफ़ी कम होती है एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब से। इसके जितने भी राइवल्स हैं जैसे कि एक्टिवा 5G सेगमेंट के जितने भी स्कूटर्स हैं उन सब में एलईडी बल्ब अब आ चुके थे, तो मार्केट के अकॉर्डिंग भी देना ज़रूरी था। एलईडी हेडलैम्प का एक और फ़ायदा होता है वो ये कि इसकी जो नाइट विजन कैपेसिटी है वो एक हेलोजन बल्ब से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है रात को राइडिंग करने में। अब बात करते हैं इसकी रियर लाइट की, तो इसमें जो रियर लाइट है वो बिल्कुल वैसी दे रखी है जैसी पहले दे रखी थी। एक एलईडी बैक लाइट हमें पहले भी मिलती थी, वहीं हमें अभी भी मिलती है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ हमें सिंपल बल्ब मिलते हैं येलो कलर के। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। जो सबसे पहली कमी मुझे लगी वो ये कि हमें इसमें 17 लीटर की स्टोरेज मिलती है बस। स्टोरेज अगर हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती तो अच्छा होता, क्योंकि इसकी जैसे राइवल है एक्टिवा उसमें भी हमें 18 लीटर मिलती है, और जो एंटॉर्क है वो 125 cc सेगमेंट में है बेशक, पर उसमें हमें 22 लीटर मिलती है। इस स्टोरेज में भी हम इसमें एक फुल फेस हेलमेट इंडियन स्टैंडर्ड का आराम से रख सकते हैं, आराम से आ जाता है वो इसमें। दूसरा मुझे जो एक कमी लगी, वो आप कमी नहीं कह सकते, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर इसमें ABS का ऑप्शन मिल जाता तो बहुत इनोवेटिव होता ये स्कूटर। अगर हमें एक और वेरिएंट में बस ABS का ऑप्शन भी मिल जाता तो भी बहुत अच्छा रहता। इसके सिवा मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्कूटर है, अपने प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है ये। इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का प्राइस है 55,900,
जो कि एक शोरूम प्राइस है, हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस के हिसाब से आपको फाइनल प्राइस मिलेगा, बट जो इसका बेसिक प्राइस है वो है 55,900। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल ऑप्शन होगा, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप वेल्लोर चेन्नई में हैं तो TVS जुपिटर ग्रांडे की टेस्ट राइड के लिए आप सिद्धि TVS विजिट कर सकते हैं। ये चित्तूर बस स्टैंड के बिल्कुल पास है।